हेलो दोस्तों, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो सीरीज है ये है जो जीआरएफ नेट है उसकी नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसके कुछ क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। उसकी जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं उनका आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी। तो जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें जीआरएफ में जितने भी क्वेश्चन आए हैं और दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसमें 1 महीने में हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझें जिससे नेट में आने वाले आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। तो संसद के अंदर जो सूचना अधिकार अधिनियम है ये पारित हुआ, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी मंजूरी प्राप्त कब हुई? 15 मई 2005 को, 5 जून 2005 को, 15 जून 2005 को या 12 अक्टूबर 2005 को। तो संसद के अंदर जो सूचना अधिकार अधिनियम रखा गया जब संसद से पारित हो गया तो उसको राष्ट्रपति के पास अधिनियम कानून बनने के लिए भेजा जाता है। तो कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? तो इसका आंसर है वो देखते हैं, ये दी 12 अक्टूबर 2005 को। जो 12 अक्टूबर 2005 है इस दिन जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने इस अधिनियम पर साइन किए और साइन करने के बाद ये कानून बन गया और पूरे भारत में लागू हो गया। इसकी जो व्याख्या है वो देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया। संसद है उसने तो 15 जून 2005 को पारित किया, तब 12 अक्टूबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने कब साइन किए जो अधिनियम है उस पे? तो 12 अक्टूबर 2005 को, और 13 अक्टूबर को देश में यह एक कानून के रूप में लागू हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? ये है असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो किस राज्य का जो सचिवालय है वो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल का सचिवालय है वो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो इसकी व्याख्या है वो देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में राइटर्स बिल्डिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर एस्ले इडन के समय अस्तित्व में आया था। तो जो पश्चिम बंगाल में राइटर्स बिल्डिंग है जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर एस्ले इडन थे उनके समय में अस्तित्व में आया 1877 के अंदर। वर्तमान में यह डलहौजी स्क्वायर के उत्तर के अंत में स्थित है। तो वर्तमान में जो डलहौजी स्क्वायर है उसके उत्तर में स्थित हो, और यह इमारत महाकारण के नाम से जानी जाती है। तो ये जो राइटर्स बिल्डिंग है ये किस नाम से जानी जाती है? इमारत महाकारण के नाम से। नेक्स्ट है, देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो कौन था जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो किसने जो वायसराय की जो कार्य परिषद थी उससे त्यागपत्र दे दिया? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवी, शिव शंकर नायर या इन्होंने सभी ने? तो आंसर देखते हैं, जो शिव शंकर नायर थे वो कार्य जो वायसराय की कार्य परिषद थी उसके अंतर्गत सदस्य थे, और फिर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन्होंने सर शंकर नायक ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। जो सर शंकर नायक हैं 1919 के वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे। जनरल डायर द्वारा 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में किए हत्याकांड का विरोध किया वह तत्कालीन कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस नाइट की उपाधि को त्याग दिया। नेक्स्ट है,
जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज्य की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? के एम पनिकर, एच एन कुजरू, महात्मा गांधी या बलवंत राय मेहता? तो कौन थे जो पंचायती राज की सिफारिश की? वो थे बलवंत राय मेहता। जो भारत के अंदर त्रिस्तरीय जो पंचायती राज सिस्टम चल रहा है उसके जो अध्यक्ष थे वो बलवंत राय मेहता थे, और इन्होंने ही सजेशन किया था ये प्रणाली भारत में लागू करने के लिए। इसकी व्याख्या है वो देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में पंचायती राज व लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता आज़ादी पूर्व महात्मा गांधी के सुझाव पर कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने थे। इस समिति के ही संकल्पना के को सभी राज्यों में क्रियान्वित करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है पंचायत समिति के सदस्य। तो पंचायत जो समिति होती है उसके सदस्य कौन होते हैं? खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो जो पंचायत समिति है उनके सदस्य कौन होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधि से मिलकर बनती हैं। सदस्यों द्वारा उनके प्रमुख का चुनाव होता है जिसे चेयरमैन कहते हैं। यह क्षेत्रीय विकास के लिए योजना तैयार करती है व सार्वजनिक हित हेतु राज्य की नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करवाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर बाढ़ सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो कौन सा कर है जो बाढ़ सरकार नहीं लगाती है? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर या मार्ग कर? तो जो मार्ग कर है वो भारत सरकार नहीं लगाती है। टोल टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, यह राज्य के परिवहन विभाग के द्वारा लगाया जाता है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा है जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या योजना आयोग? तो जो योजना आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय न होकर संविधानेतर निकाय है, अर्थात इसके गठन कार्य अधिकारों का वर्णन संविधान में नहीं है। योजना आयोग का गठन सर्वप्रथम 1950 में किया गया था। यह पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता है, फिर योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज्य नियंत्रण पर या इनमें से कोई नहीं? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ये न्यास पर आधारित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित थी, अर्थात समाजवादी थी, जिसमें निचले स्तर के हित को वरीयता दी जाती थी। इसके अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आलोचना की गई थी, वह घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया गया तथा जो पूंजीपतियाँ हैं उनको उद्योगों को न्यासी माना गया। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जमींदारी अनुमूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी अनुमूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 किस में है? पांचवी अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में, नौवीं अनुसूची में और ग्यारहवीं अनुसूची में। तो किसके अंदर है? ये नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी उल्लेख है। 1951 के अंदर पहला भारतीय संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। संविधान की नौवीं अनुसूची में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अनुमूलन भूमि सुधार व्यवस्था अधिनियम को सम्मिलित किया गया। वंचित व कृषक वर्गों को सुरक्षित करने हेतु तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट है आनुपातिक प्रतिनिधि की व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है वो निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली में सुनिश्चित करती है। किस प्रकार से? बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, अल्पसंख्यकों को। तो इसका आंसर है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को। जो आनुपातिक प्रतिनिधि है कि व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली के तहत अल्पसंख्यकों को उनके समुचित प्रतिनिधित्व हेतु उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचन की सीटें सुरक्षित कर दी जाती हैं, जिसमें केवल उनके समुदाय का व्यक्ति चुनाव लड़ता है। नेक्स्ट है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। तो उस टाइम थे नरसिम्हा राव जो वहाँ उस टाइम प्रधानमंत्री थे। नई आर्थिक नीति प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा 1991 में घोषित की गई, जिसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोलकर उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को अपनाया गया था, ताकि तत्कालीन समय में भारत में आ रहे मुद्रा संकट से निपटा जा सके व भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास की गति प्रदान की सके। तो उस टाइम जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है? तो कौन सा भाग है भारतीय संविधान का जिसमें 3 सोपाने, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 सोपान बनाने का उल्लेख है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12? तो भाग 9 है, उसके अंदर ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। ग्राम जो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद है उनके 3 सोपानों का उल्लेख है। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायती बनाने की परिकल्पना भाग 9 में की गई। भाग 9 को संविधान के 33वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसे 3 स्तर में ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति व जिला परिषद में विभाजित किया गया है। जो इसके अध्यक्ष थे वो बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए उपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो सबसे पहले किसने भारत के लिए उपनिवेशिक राज्य स्वराज्य की मांग की थी? राजगोपालचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने, तेज बहादुर सप्रू और जेकरन ने, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। तो ये की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जेकरन ने। नेक्स्ट है तेज बहादुर सप्रू और जेकरन भारत के लिए उपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी, जो नेहरू रिपोर्ट के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार द्वारा तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व का बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन है जो राज्य सरकार द्वारा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो जो राज्य वित्त आयोग है वो राजस्व का स्वशासन के अंदर राजस्व का बंटवारा करता है। संविधान के अनुच्छेद 243 ज में राज्य हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, जो राज्य सरकार और स्थानीय शासन के मध्य राजस्व का बंटवारा करता है। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 124 के अंदर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है, और दो अनुच्छेद 214 के अंदर हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श और संबंधी क्षेत्राधिकार है, या इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है? तो इसका आंसर है इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय मूल, अपीलीय, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। मौलिक अधिकारों हेतु मूल, अन्य मामलों हेतु अपीलीय व केंद्र सरकार जो नीतियों के बारे में परामर्श संबंधी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, मूला अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। और जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो इसके अंदर जो गलत है वो है, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो जो 1967 से 1971 है, कौन सा स्टेट ऐसा है जिसके अंदर अधिकतम गठबंधन सरकार बनी थी? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और पंजाब। तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, सर्वाधिक गठबंधन की सरकार बनी थी। 1967 से 1971 के मध्य 5 बार गठबंधन सरकारें बनी, 3 बार कांग्रेस व 2 बार भारतीय लोकदल की सरकारें रही। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित है? ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण या ग्रामीण उद्योग। तो जो ग्रामीण विद्युतीकरण है वो त्वरित अवस्थापन विकास कोष के अंदर सम्मिलित है। त्वरित अवस्थापन विकास कोष के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें तथा ग्रामीण उद्योग शामिल है। ग्रामीण विद्युतीकरण राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत आता है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनके अंदर ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? इनका जो राष्ट्रीय आयोग है, अनुच्छेद 338 और 338A, 337, 338 या 339। जो 338 और 338 है उसके अंदर SC और ST विभाग आता है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के मामलों के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय आयोग गठित करता है। यह आयोग इन जातियों हेतु सुरक्षात्मक कदमों को बताता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता या अनुच्छेद 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से प्रकरण। तो जो अनुच्छेद 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण है वो है, जो अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन के संगठन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? जो एंग्लो इंडियन है वो संसद के अंदर इनको जो मनोनीत है इनको नियुक्त किया जाता है। जो हमारा संविधान है उसके अंदर उल्लेख है कि लोकसभा के अंदर एक एंग्लो जो दो एंग्लो इंडियन है उनकी नियुक्ति की जाएगी, और जो राज्य सरकार राज्य विधानसभा होती है उसमें एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति जो राज्यपाल करेगा, और जो लोकसभा उसमें राष्ट्रपति है एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करेगा। तो यह किस अनुच्छेद में है? 331, 221, 121 या 140? तो 331 के अंदर एंग्लो इंडियन के को जो लोकसभा है उसमें नियुक्त करने का प्रावधान है। जब राष्ट्रपति को अभाव की लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है तो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों ये थे 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो GRF नेट के अंदर आपको पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब दिसंबर के अंदर नेट का एग्जाम हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखें और इससे पूरा पूरा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करें। मैं आपको इसका कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी, तो आप मेरे चैनल से के साथ बने रहें जिससे आपकी पूरी अच्छे से तैयारी हो जाए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो इसकी PDF है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और मैं Unacademy पे भी पढ़ाती हूँ, तो Unacademy पे मैं साइंस, पॉलिटिकल साइंस
जो नेट जीआरएफ के लिए और हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो मुझे आप अनअकैडमी पे भी फॉलो करें, ठीक है? थैंक यू।